स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र छेड़कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस बयान के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वहीं गिलगित बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्र का इतिहास जो लगभग भुलाया जा चुका है, उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के इतिहास और भौगोलिक बनावट पर। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले विवादित गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का इतिहास बहुत ही जटिल रहा है। इस क्षेत्र में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, एक 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और एक अन्य 1 नवंबर को जब इलाका 1947 में हासिल किया गया था। हालांकि यह आज़ादी महज 21 दिन तक ही टिक पाई थी। तब से आज तक पाकिस्तान का रुख शिया बहुल इस इलाके की संप्रभुता और संवैधानिक स्थिति को लेकर अस्पष्ट और टालमटोल करने वाला बना हुआ है। सिंधु नदी को अपने दामन में समेटे इस इलाके में बेहद खूबसूरत माउंट एवरेस्ट से कुछ कम ऊंची पर्वत चोटियां हैं। पहले इसे उत्तरी इलाका यानी नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था। इसके उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और पूरब में भारत है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन शामिल है। अपने इसी भौगोलिक बनावट की वजह से यह इलाका भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ इतिहास बताता है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा था, वहीं क्षेत्रों का पाकिस्तान का हिस्सा होने की वजह से सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे पाकिस्तान को इस क्षेत्र का नियंत्रण मिल गया। 1947 तक गिलगित बाल्टिस्तान वजूद में रहा और जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा था। पाकिस्तान का कहना है कि डोगरा शासकों ने 1846 में इस इलाके को जम्मू और कश्मीर में शामिल कर लिया था, वरना यह कभी भी इस रियासत का हिस्सा रहा ही नहीं। अपने इस दावे के पक्ष में पाकिस्तान 1935 की उस लीज डीड का सबूत देता है, जिसने ब्रिटिश हुक्मरानों को 60 साल तक इस क्षेत्र का नियंत्रण दे दिया था। पाकिस्तान अपने पक्ष में यह भी कहता है कि डोगरा राजतंत्र ने क्षेत्र पर नियंत्रण को खत्म कर दिया था और जम्मू और कश्मीर के अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह का 73,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं था। गिलगित बाल्टिस्तान कई उलटफेर के बाद कराची समझौते के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद यह पाकिस्तान की मनमर्जी का शिकार हुआ और पाकिस्तान ने जैसे चाहा वैसे नचाया। इस क्षेत्र का अपना वजूद लगभग ना के बराबर हो गया है। इस क्षेत्र की सुंदरता को खत्म करने में चीन ने भी पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। 1947 में भारत विभाजन के समय यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की तरह न भारत का हिस्सा रहा और न ही पाकिस्तान का। डोगरा शासकों ने अंग्रेजों के साथ लीज डीड को 1 अगस्त 1947 को रद्द करते हुए क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया, लेकिन महाराजा हरि सिंह को गिलगित स्काउट के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। इससे 2 दिन पहले 31 अक्टूबर को हरि सिंह ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दे दी थी। 21 दिन बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में दाखिल हुआ और सैन्य बल की मदद से इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। अप्रैल 1949 तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा, लेकिन 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगित के मामले को सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के हवाले कर दिया गया। इस करार को कराची समझौते के नाम से जाना जाता है। बाल्टिस्तान ने बाद में गिलगित पाकिस्तान के सुदूर उत्तर में स्थित एक इलाके को कारकोरम राजमार्ग के निर्माण के लिए चीन को गिफ्ट कर दिया। चीन ने इस इलाके के खनिजों और पनबिजली संसाधनों के दोहन के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र छेड़कर वहां के आंदोलनकारियों का एक तरह से समर्थन किया है और यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फिर छाता दिख रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।